हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। गाइस, आज की ये वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ एक ऐसा फ्लैशर जिसकी मदद से आपके जो इंडिकेटर है उनकी आप जो ब्लिंकिंग की जो स्पीड है उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। जैसे कि आपको आपने देखा होगा कि नॉर्मल जो फ्लैशर है वो काफ़ी टाइप के आते हैं जिनमें अलग अलग मॉड्यूल भी होते हैं, लेकिन वो एक सर्किट वाले होते हैं। लेकिन ये सिंपल एक नॉर्मल जैसे आपकी बाइक में स्ट्रोक वाला फ्लैशर होता है सेम टू सेम वैसा ही है, लेकिन इससे क्या कर सकते हैं आप अपने जो ब्लिंक करने की जो स्पीड है इंडिकेटर की उसको आप एडजस्ट कर सकते हो। तो जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर एक रबड़ का पीस है जो इसको माउंट करने में हेल्प करेगा, और ये कुछ इस टाइप से आता है। ये कुछ आई मार्स कुछ कंपनी का नाम लिखा हुआ है इसके ऊपर, और क्या ये नॉर्मल फ्लैशर की तरह आता है जैसे आपके स्ट्रोक वाला फ्लैशर है सेम टू सेम वैसे ही आता है। लेकिन जहां पर आपको जो है एक ऐसे छोटा सा स्क्रू दिखाई दे रहा होगा ये प्लास्टिक वाला, इसको आप जो है किसी भी अलाइनर की मदद से आप जो है इसको घुमा सकते हैं और इसको जो है एडजस्ट कर सकते हैं, और अपने जो इंडिकेटर की स्पीड है उसको आप जो है अपने हिसाब से आप जो है एडजस्ट कर सकते हैं। आप चाहे तो उसको फास्ट कर लीजिएगा, चाहे तो आप उसको स्लो कर लीजिएगा, चाहे तो आप उसको जो है नॉर्मल कर लीजिएगा। तो चलिए अभी इसको जो है इंस्टॉल करते हैं अपनी बाइक में। तो क्या सबसे पहले इसका जो रबर का पीस दिया हुआ है इसके साथ में इसको माउंट करने के लिए उसको मैं कुछ इस टाइप से इसको लगा लेता हूं, और उसके बाद आप यहां पर देखोगे ये फ्यूज़ बॉक्स है। एक्चुअली मोस्टली जो बाइक में जो है ये बैटरी के आसपास ही रहता है इंडिकेटर फ्लैशर, लेकिन किसी किसी बाइक में ये वाइजर के अंदर भी होता है जैसे ड्रीम युगा में था। तो चलिए गाइस, सबसे पहले मैं इसका ये फ्यूज़ बॉक्स है इसको निकाल लेता हूँ ताकि अच्छे से आपको दिख पाए। और इसके आप जस्ट पीछे देखोगे ये बैटरी के साइड में तो ये इंडिकेटर फ्लैशर है। तो जैसे कि अभी मैं इसको निकालता हूँ तो गाइस थोड़ा वेट में ये जो स्ट्रोक वाला फ्लैशर है ये मेरे को भारी लग रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं कि ये बढ़िया और उसकी जो क्वालिटी है वो कम है, ऐसा नहीं है कुछ भी। ये जो स्ट्रोक वाला फ्लैशर है इसमें क्या होता है, इसमें कॉइल होती है तो उसका थोड़ा वजन होता है, लेकिन ये वाला जो अभी हम लगा रहे हैं इसमें सर्किट होगा तो इस वजह से इसका जो वेट है थोड़ा कम है इससे। तो चलिए इसको जैसे इसको निकाला था सेम टू सेम वैसे ही आपको इसको जो है ऐसे इसके कपलर को लगा देना है। तो क्या इसकी अभी जो रबर के साथ जो माउंट है इसकी मदद से मैं इसको यहां पर जो है माउंट कर देता हूं अच्छे से। तो जैसे कि आप देख सकते हैं अभी ये अच्छे से लग गया है। तो गाइस अभी मैं आपको जो है इंडिकेटर का व्यू दूंगा, और इंडिकेटर आप देखिएगा मैं इसको धीरे धीरे एडजस्ट करूंगा एक अलाइनर की मदद से, और आप देखना इसकी स्पीड कैसे कम ज्यादा होती है। तो आप देख सकते हैं अभी स्पीड धीरे धीरे इसकी बढ़ रही है। तो गाइस जितनी स्पीड आपको चाहिए उतनी आप स्पीड जो है अपने हिसाब से रख सकते हैं। तो गाइस आप अपने हिसाब से इसको एडजस्ट कर लीजिएगा कौन सी स्पीड आपको पसंद आ रही है, इसकी कितनी ब्लिंक करने की स्पीड आपको पसंद आ रही है, फास्ट ब्लिंक करने की स्पीड आपको पसंद आ रही है या स्लो इसकी जो स्पीड है, जैसे भी आप इसको एडजस्ट करना चाहे वैसे आप। तो गाइस आप सोच रहे होंगे कि फ्यूल मीटर में मैंने ये क्या लगा रखा है, तो गाइस एक्चुअली एलईडी डिजिटल मीटर है और इसकी इंस्टॉलेशन मैंने पिछली वाली वीडियो में की थी, उसका मैं लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखी तो प्लीज़ उसको देख लीजिएगा। तो गाइस अभी बात करते हैं इसके प्राइस की। तो गाइस प्राइस का अभी मैंने चेक किया तो 164 रुपीज़ था, और ये शिपिंग वगैरह का कॉस्ट डाल के आपको ये 250 में आपको जो है मिल जाएगा। तो लिंक इसका मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, अगर आपको परचेस करना रहेगा तो आप वहाँ से जाकर इसको जो है परचेस कर सकते हैं। तो गाइस उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी, पसंद आई तो लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियोस लेकर आता रहता हूँ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, बाय बाय, टेक केयर।